ऐसा देखिए, सारी देखिए आपको सब एक बात बता दी गई है कि हिंदुस्तान की सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगी, जमीन से लेकर के संपत्ति से लेकर के सारी डिटेल जमीन तक सब। अरे जो चीजें उपलब्ध है वो आप देख लीजिए ना, हमको यहीं पर है। और दूसरा यूके में, यूके के अंदर मैं बता देता हूँ जो नहीं बताया। अरे यूके यूके के अंदर ट्रस्ट है हमारे पास, यूके के अंदर ट्रस्ट है, तो यूके में हमारे पास लिटिल कैमरी जो आइलैंड जो जमीन खरीदी गई है वो पोद्दार फैमिली ने खरीदा, पहले उन्हीं के पास वो आइलैंड था, उन्होंने ट्रस्ट को दान किया, पहले जो मालिक था वो दान कर रहा और लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबा ने खरीदा, तो ये आप उसको लिटिल कैमरी WW लिटिल कैमरी पे आप करिए, इंटरनेट से खोलिए सारा डिटेल। हिंदुस्तान के अंदर आप आरओसी के अंदर, आरओसी के अंदर आप पता कर लीजिए, प्लीज आप वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड करके आरओसी से लेकर आप डिटेल निकालोगे, सारा डिटेल निकल जाएगा, जब आपको आपको पता है। देखिए आप उसको आप इस तरह से कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें कि जब मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण डिटेल आप आरओसी से डिटेल निकलवा लीजिए, फिर आपको लगता है कि कोई चीज डिटेल नहीं निकल पा रही है, किसी कंपनी की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, हम आपको दे देंगे। अरे ऐसा देखिए कोई चीजों को, अरे ऐसा है देखिए आप लोग जो देखिए आप लोग ऐसा है, ऐसा है देखिए मैं आपको जो पासपोर्ट सद्य आचार्य जी के पास में जो भी है 100% असली पासपोर्ट है, कोई नकली पासपोर्ट नहीं है। एक बात सुन लो, सुनो मैं आपको पासपोर्ट की कॉपी फोटोस्टेट करके दे देता हूँ, मतलब की चीजें देखिए, एक मिनट लगे प्लीज सुन लीजिए, मेरे पासपोर्ट की कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, एक मिनट लगेगा, क्योंकि मेरे भैया मेरे हम लोग यहीं बैठे हैं, हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पीछे 8 करोड़ लोग हमारी भावनाओं से और कार्यों से प्रभावित हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने की हम बात रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर इस तरह का कुछ कार्य। और दूसरी जो आप लोग बात, अरे अरे सुनो ना, अरे ऐसा है देखिए जो मौन को लेके बड़ी गड़बड़ चल रही है, ऐसा है अभी हमने एक बात कह दी आपको, श्रद्धा आचार्य जी के पास कंपनियां बनाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, जो काम ट्रस्ट में नहीं हो सकते थे वो काम हमने कंपनियों के माध्यम से किए, और उसके लिए भी उद्देश्य सेवा है। जो काम कंपनियों के माध्यम से नहीं हो सकते, जो काम ट्रस्ट के माध्यम से नहीं हो सकते थे वो काम कंपनियों के माध्यम से किए,
और उन 100% उन कंपनियों के द्वारा भी जो भी गतिविधियां होती हैं वो सेवा के लिए ही स्थापित की गई है, क्योंकि वो काम जब रास्ते से हो ही नहीं सकता लीगली और होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए कंपनियों की स्थापना वह भी व्यापार के लिए नहीं सेवा के लिए की, फिर उसके लिए जो भी लोन्स लिए गए, जो भी किसी से सहयोग लिया गया तो वो सहयोग लिया गया और उसको भी सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई अपारदर्शी काम नहीं है। उसके बारे में आचार्य जी एक सवाल, एक मिनट आप डिटेल मत दीजिए, आप हमें सिर्फ नंबर बताइए। मैंने आपको बताया देखिए बाबा, सरकार की तरफ से मानते हैं, सरकार की तरफ से षड्यंत्र है, हो सकता है हमको गलत नंबर दे, आप हमको नंबर बताइए। सरकार यदि षड्यंत्र करती है तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही हो ना, जैसे आप अभी अभी प्रेस मीटिंग में बोले।